हेलो एंड वेलकम, दिस इज अतुल एंड यू आर वाचिंग अपेक्स स्टडीज। आज के वीडियो में बेसिकली अपन बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई डब्ल्यू की वैकेंसी के बारे में। टोटल 21 पोस्टें रिलीज हुई है, जिसमें से 13 पोस्टें हैं वो है नॉन टीएसपी के लिए और 8 पोस्टें हैं वो टीएसपी के लिए। अगर मैं बात करता हूँ आपके रिगार्डिंग, तो 21 पोस्टें हैं वो कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है। आपको तो ओनली वन पोस्ट चाहिए, एक पोस्ट चाहिए आपको, आपको 21 थोड़ी चाहिए। तो आप कर लोगे अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे करना है। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा कि हर एक चीज़ होती है वो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती, कर लोगे, बस आपको इतना बोलना चाहूँगा। लेकिन अकेला सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको उस लेवल की मेहनत भी करनी होगी जिस लेवल की मेहनत ये 21 पोस्टें रिक्वायर करती है। आप अपनी मेहनत को उन 21 पोस्टों की जो रिक्वायरमेंट है उससे कई गुना आगे रखिए, देखते हैं देखिए आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता। आप एक बार अपने लिए इन जिद और जुनून को एक जगह करके अपने लिए जो भी आने वाला फ्यूचर है उसको सेव करने की सोचिए और अपनी मेहनत में अपना जी जान झोंक दीजिए, आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। अगर मैं बात करता हूँ लास्ट जो आपकी वैकेंसी थी सुपरवाइजर की, उस सुपरवाइजर की वैकेंसी में इनिशियल पोस्टें बहुत कम थी, उसके साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ा ये पोस्टें इंक्रीज होकर डबल से भी ज़्यादा हो गई थी। तो ये पूरे पूरे चांसेज है कि डब्ल्यू की पोस्टें भी इंक्रीज होगी, लेकिन अभी फिलहाल के टाइम पे 21 पोस्टों से अपन स्टार्ट करते हैं। तो 21 पोस्टों के लिए जितनी रिक्वायर है उससे कई गुना ज़्यादा आपको मेहनत करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और डब्ल्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो डब्ल्यू की पोस्ट कोई एक नॉर्मल छोटी मोटी पोस्ट तो है नहीं। राजस्थान के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो डब्ल्यू की पोस्ट है एक बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट मानी जाती है और बहुत से बच्चे हर साल इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। एग्जाम है वो आपके ऑलमोस्ट 1 ईयर का टाइम लगेगा, हो सकता है इससे थोड़ा कम लगे थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन ऑलमोस्ट एक एवरेज टाइम लगे तो 1 ईयर है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 1 ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा है, आप आज से 2 महीने 3 महीने बाद स्टार्ट करोगे तो क्वालिफाई कर जाओगे। देखो ये एक कंपटीशन का दौर है और इस दौर में हर एक बच्चा अपने लिए एक सिक्योर फ्यूचर के लिए ट्राई करता है और इस सिक्योर फ्यूचर के लिए वो अपनी जी जान आज के टाइम पे लगा रहा है। अगर आप नहीं लगाओगे तो आपकी जगह कोई दूसरा लगाया, सीटें फिक्स है, स्टूडेंट चेंज हो सकते। तो आपको भी अभी के टाइम से आज ही से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी। आप किससे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ये मैटर नहीं करता, बस आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी और अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो अभी के टाइम पे हालांकि रिलीज नहीं हुआ लेकिन लास्ट जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। और अपेक्स स्टडीज हमेशा आपके साथ रहेगा। अपेक्स स्टडीज ने भी डब्ल्यू के कोर्स ऑलरेडी पहले से लॉन्च कर रखे थे, क्या क्या उनमें स्पेशलिटीज है मैं उन्हीं के बारे में आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ। अगर बात करता हूँ डब्ल्यू के ऑनलाइन बैच की और ऑफलाइन बैच की, ऑफलाइन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, वो अपना जो इंस्टीट्यूट है कमला टावर नियर मेडिकल सेंटर झोटवाड़ा जयपुर में, वहाँ पे आपकी ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट होती है। ऑनलाइन क्लासों के लिए आपको प्ले स्टोर से अपेक्स स्टडीज की ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, अपना सिंपल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है रजिस्ट्रेशन करना और वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे जो फीचर्स है वो है, इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो अप टू एग्जाम होगी। आपकी एग्जाम हो सकता है कि 1 ईयर में हो 2 ईयर में, जब भी आपकी एग्जाम होगी तब तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। इसके अलावा सेकंड चीज की मैं बात करता हूं तो आपको यहां पे लगभग 500 घंटे की लाइव रिकॉर्डेड क्लास होगी। नॉर्मल रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लाइव रिकॉर्डेड क्लास होगी, जो बच्चों ने डाउट पूछे वो भी रिकॉर्ड होंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट भी आपको अवेलेबल होंगे, स्टडी मटेरियल जो एग्रीकल्चर का है वो भी आपको कंप्लीट अवेलेबल होगा और मॉक टेस्ट वगैरह यानी प्रैक्टिस सेट कुछ भी मान लो, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज है डब्ल्यू के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपके एग्जाम से पहले डाउट सेशन भी होंगे जो आपके सारे लाइव रहेंगे और ये कोर्स आपका ऑनलाइन एग्जाम तक वैलिड रहेगा। जितने भी ऑफलाइन यूजर्स है जो ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं किसी भी बैच में करें, चाहे वो आपके डब्ल्यू में करें चाहे पीजी में करें या किसी और बैच में करें, उन सभी को ऑनलाइन एक्सेस हमेशा के लिए फ्री मिलेंगे। हमेशा का मतलब आपके एग्जाम तक, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम तक आपको हर एक बैच के साथ ऑनलाइन एक्सेस फ्री मिलेगा ताकि आपका रिविजन अच्छे तरीके से हो सके, कोई लिमिटेशन आपके नहीं रहेगी। इस कोर्स की जो प्राइस है वो इनिशियली 7770 की गई थी, लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में 4970 है और 4 डेज के लिए आज शाम को इसकी प्राइस हो जाएगी 4470, 4470 रुपये हो जाएगी। वैलिडिटी इसकी 4 डेज रहेगी, 4 डेज के बाद में जो प्राइस है वो वापस से बढ़ के 4970 हो जाएगी। कोर्स के अंदर आपको लगभग एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर को हम बहुत ज़्यादा छोटा नहीं कर रहे हैं कि बस केवल आपको कुछ लेक्चर दे दिए और आप उनसे पढ़ लो, पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो।
आपके जो लेक्चर होंगे वो कंप्लीट कोर्स में 500 हावर से ज्यादा के होंगे। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेक्चर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ लेक्चर्स में तो आपके हाफ आवर का भी एक लेक्चर हो सकता है, 1.5 आवर का भी हो सकता है, लेक्चर्स के काउंट कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सभी का अगर हावर टोटल करोगे तो 500 हावर मिनिमम से मिनिमम होगा, इससे अबाव होगा, इससे कम नहीं होगा। ऑफलाइन बैच आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी एनी डाउट या आपके माइंड में कुछ भी डाउट चल रहा है कोर्स के रिगार्डिंग या किसी और बैच के रिगार्डिंग, तो आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो 9829990411। इसके अलावा अगर आपसे मैं बात करता हूं तो प्री पीजी के लिए भी ऑलरेडी अपना लक्ष्य 2.0 बैच चल रहा है, जो ऑनलाइन में एक पूरे इंडिया का प्री पीजी का वन ऑफ द बेस्ट बैच होता है हमारा। और क्यों लोग प्रिफर करते हैं ये मुझे बताने की आज जरूरत नहीं है, हर एक इंसान अच्छे तरीके से जानता है कि क्यों लक्ष्य 2.0 इतना पॉपुलर है और क्यों एक ग्रेजुएशन लेवल के बाद के एग्जामों में अपेक्स स्टडीज इतना पॉपुलर है। इस चीज़ों के बारे में अपन बात आज के वीडियो में नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप सब कुछ कर सकते हो, बस आपको सोचना है, अकेला सोचना नहीं है, अकेले सोचने से कुछ नहीं होगा, सोचने के साथ साथ उसे इंप्लीमेंट भी करना है और आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। आपका टारगेट क्या है? फर्स्ट, यहां पे फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट पोस्ट की और फर्स्ट रैंक की। आप फर्स्ट रैंक के लिए प्रिपरेशन करोगे तब मैं ये बोल सकता हूं कि आप एक सेफ जोन में जा रहे हो। अगर आप ओनली पास होने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सेफ जोन से ऑलरेडी बाहर। तो फर्स्ट आपको एक सीट चाहिए और फर्स्ट रैंक चाहिए, इन दोनों चीजों के लिए प्रिपरेशन करो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।